दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो WhatsApp चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप बिना ऐप के कैसे उसे लॉक कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो स्टेप करना है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो देख लीजिए, यहाँ पे जो थ्री डॉट है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करने का, सबसे पहले वाला अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है थ्री नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसको दोस्तों यहाँ पे इनेबल कर देना है नीचे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड रखना है अपने WhatsApp के लिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटर, तो यहाँ पे आप कुछ भी जो आपका मन है वो यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। मैं चलिए आप लोगों को मैं अपना वाला डाल लेता हूँ, आप अपना वाला डाल दीजिएगा दोस्तों। तो उसको फिर से जो पहले डालें उसको फिर से यहाँ पे कॉन्फर्म करने के लिए फिर से वही डालिए जो पहले आप डाले वही, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है। तो अगर आपका ईमेल पता नहीं तो हम आपको बता रहे हैं आपका ईमेल कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपका तो प्ले स्टोर होगा ना, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर थ्री पर क्लिक कीजिए, थ्री लाइनर पर यहाँ पर देख लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट में ऊपर में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी जो है वो शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपना अगर ईमेल आईडी भूल चुके हैं तो आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में या जहाँ पर या देख के भी ऐसा करके लिख सकते हैं, ऐसा करके तो ऐसा करके लिख लीजिएगा। अगर नहीं तो मेरा तो ऑलरेडी है तो मैं इसकी पर ले से टेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देने का, फिर वही डाल लेने का है ईमेल। उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे है डन कर देना। उसके बाद क्या है, इसको बैक करके चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं जब भी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा पासपोर्ट डालने के लिए बोल रहा है, तभी जो है मैं किसी का मैसेज पढ़ सकता हूँ या किसी को मैसेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों है ना कमाल का, कि बिना ऐप डाउनलोड किए भी आप बहुत ही आसानी से दो स्टेप किए आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पासपोर्ट को अगर हटाना चाहते हैं तो आप जो पासपोर्ट लगाए थे उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट को क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों इस अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन में और यहाँ जो पहले वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है पासपोर्ट जो हट जाएगा व्हाट्सएप पे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पासपोर्ट लगाया था वो इनेबल हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पासपोर्ट लगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर बिना ऐप्स डाउनलोड किए। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नाइस वीडियो करके। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा वाला ट्रिक्स लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।